नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। दोस्त, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बताने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी कितने फॉर्म्स भरे गए, कितने लोगों ने टेस्ट दिया और संपूर्ण जानकारी रिजल्ट कब आएगा और सारी जानकारी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स पहले हम आपको बता दें कि 4.73 लाख अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा छोड़ दी है। ठीक है, कितने ने छोड़ दी है? 4.73 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। यूपी ट्रिपल एससी की लिखित परीक्षा हुई थी जिसमें 14.27 लाख अभ्यर्थियों में से 9.53 लाख अभ्यर्थी हुए हैं शामिल। कितने हुए? 9.53 लाख। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है 14.27 लाख अभ्यर्थियों में से 9.53 लाख हुए शामिल। कितने हुए? 9.53 लाख ही यहाँ फ्रेंड्स शामिल हुए हैं। कितने में से? 14.27 लाख फॉर्म भरे गए थे जिसमें से 9.53 लाख हुए हैं शामिल। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लखनऊ अधिनियम सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण व समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन प्रतियोगिता की लिखित परीक्षा में 1/3 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। 2 दिनों में 16 जिलों के 572 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हो गई। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि 22 व 23 दिसंबर की दोनों पालियों में लिखित परीक्षा संपन्न हुई। 1953 पदों के लिए परीक्षा में 14,27,172 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। ठीक है, प्रत्येक पाली में 3,56,793 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। दोनों दिनों की सभी 4 पालियों में कुल 9,53,912 अभ्यर्थी, 66.84% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। लेकिन फ्रेंड्स कई सेंटर पे बताया जा रहा है कि पेपर आउट हुआ है, तो उसके संबंध में फ्रेंड्स विवाद चल रहा है। ठीक है, अब उसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि पेपर को कैंसिल किया जाए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपका जो रिजल्ट का टाइमिंग दिया गया है फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल टाइमिंग है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ये रिजल्ट टाइमिंग फ्रेंड्स 2 माह के अंतर था। जैसे आपका दिसंबर में टेस्ट हुआ है, फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की पूरी गारंटी थी। लेकिन अब यार पता नहीं पेपर कैंसिल हो जाए बाय चांस तो बात अलग है, लेकिन वैसे आपका फरवरी में पक्का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। कब? फरवरी में आपका नेक्स्ट फेज के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले फेज का जो वो है वो आपका रिजल्ट यहाँ पे साइन कर दिया जाएगा, जो आपका रिजल्ट है वो आपका फरवरी में अपलोड कर दिया जाएगा अगर आपकी परीक्षा होती है तो। अगर परीक्षा निरस्त हो जाती है बाय चांस तो फ्रेंड्स कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यार बताया जा रहा है कि हर बार नकल की वजह से परीक्षा निरस्त की जाती है। लेकिन फ्रेंड्स इस बार आयोग ने एक और चहलकदमी रखी है, उसमें आयोग ने ये बात निर्धारित की है कि जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए जो पेपर हैं, पेपर सेट एक्स्ट्रा बनाए जाएंगे। जैसे 2 पेपर आते हैं ना, 5-4 पेपर होते हैं, ABCD एक तरह के सेट होते हैं, जैसे 4 पालियों में 4 सेट तैयार हुए। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा सेट भी बनाए जा सकते हैं, जैसे 6-7, जैसे कि किसी पाली का पेपर अगर आउट होता है तो वह पेपर कैंसिल ना करने की बजाय दूसरा पेपर उसकी जगह दिया जाएगा, उस पेपर को कैंसिल नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा पेपर दे देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपको पसंद आई होगी। कम समय फ्रेंड्स में ऐसी जानकारी मिलती रहती है, GK डेली रीजनिंग, डेली GK, डेली मैथ और करंट अफेयर की वीडियो को लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।